नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं NMF न्यूज। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के रिश्तों पर जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। तभी तो जिस किंग जोंग उन को दुनिया सन की तानाशाह कह रही है, वही किंग जोंग उन शांति की पहल के लिए जानी दुश्मन साउथ कोरिया पहुंच गया है। लेकिन यहां किम के सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। 27 अप्रैल को जब किंग जोंग उन साउथ कोरिया पहुंचा तो उसका सुरक्षा घेरा देखने वाला था। किम के बॉडीगार्ड ने सुरक्षा का ऐसा घेरा बना रखा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। किम जोंग उन का शुमार दुनिया के सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेताओं में होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किम जोंग उन कैसे अपनी बॉडीगार्ड के सुरक्षा घेरे में चल रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट सूट में किम के अंगरक्षकों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। किम की सुरक्षा को लेकर उनके बॉडीगार्ड इतने सतर्क थे कि पीस हाउस में विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करने के लिए जिस सीट पर किम को बैठना था, उनके कमांडोज ने उसके आसपास सैनिटाइजर का छिड़काव किया था, जिससे छोटे कीटों से भी उसकी रक्षा की जा सके। साउथ कोरिया में किम की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद थी, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये तस्वीर किम जोंग उन के पीस हाउस से निकलने की है। पीस हाउस से बाहर निकलते वक्त किम चारों तरफ से अपनी बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। किम अपनी ब्लैक लिमोजिन पर बैठकर चलता है तो उसके बॉडीगार्ड साय की तरह गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे किम जोंग उन की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर उसके बॉडीगार्ड दौड़ लगा रहे हैं। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया का दुनिया के ज्यादातर देशों से इस समय तनाव है और ऐसे में किम को हमेशा कम से कम 6 लेयर सिक्योरिटी में रखा जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।